गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यहाँ परमात्मा कहते हैं, अन देव तू बड़ा दयालम और तेरे पलड़े तुले नीलालम। अन देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले नी मोती। तो इस प्रकार कहते, भूख का आगे सब ये संसारिक जो धन है ये भी व्यर्थ होता है। अब वो 2.5 लाख के जूते दर दिए नू कि नू, और कहा एक सिर बेर डाल दे। अब मालन जब बेर तोले थी और तोलते ही डालने लगी तो एक बेर जमीन पर गिर गया और शेष उसकी जोड़ी में डाल दिए। अब मालन तो कहती है ये बेर मेरा, अब्राहिम कहता ना मेरा। दोनों उस बेर पर लड़न लग रहे, परमात्मा ने एक मारा उसके मुंह पर थप्पड़। अब्राहिम कहे, अरे भले आदमी 2.5 लाख की जूती, एक पीसे का बेर, पता के छोड़ा तेने, धन क्या छोड़ गया तू, तो आड़े फिर हुआ बीमारी पाल रही। 2.5 लाख की जूती गिर दी एक पीसे के बेर पर, फिर वही मेरी मेरी कर रहा है, तू तो क्या छोड़ गया, जा अपने घर में वापस। यूं कह के अंतर्ध्यान हो गए, भगवान वहाँ दिखाई नहीं दिए। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा हमारे को चोट मार मार कर इस माया के जाल से छुटवाते हैं। माया का लेप हमारे बहुत हो गया, इसके ऐसे चोट मार मार कर इसे नफरत कराते हैं। और हम मांगते हैं माया भगवान से, और ये माया तो आपको इतनी दे देगा, आपके समझ में भी ना हो, पर यह माया आपके काम किया होगी, आपकी दुश्मन बन जाएगी ये लास्ट में। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप परमात्मा के मर्यादा और नियम को पहचान कर इस मार्ग पर चलिएगा, आपका ये जीवन भी इतना बढ़िया रहेगा, औरों से असंख्य गुना बढ़िया रहेगा। लेकिन निराधन ना मांगियो भगवान से, केवल माया मत मांगना। यो दे तो यह भी देगा, पर भगवान का जो काम था वो तो अधूरा रह गया। आपको पार करना, आपको सचखंड ले जाना, वो तो फिर अधूरा रह जाता अगर इस माया के चक्कर में भगवान आपको डालेंगे। लेकिन ये कभी नहीं डालते, लेकिन आपका काम भी कोई पेंडिंग नहीं रहने देंगे, जो आवश्यक होगा ये सच करना। ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न लीते, वहाँ हम मारा सुल्तानी जोग लिया रे, सतगुरु उपदेश दिया रे। छाड़ 18 लाख तुरारे, जिसे लाग गया माल बुरारे। अब क्या बताते हैं कि जिसने 18 लाख घोड़े छोड़ दिए, त्याग दिए, और अब लग गया माल बुरारे, वो धन अब उसको दुश्मन दिखाई दे रहा अपने जीवन के लिए। छोड़े गज गए बर सब जल होड़ा, सब अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सेंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली। छड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। जिन लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। पगड़ी की कोपीन बनाई, सालों की अल्फी लाई। शीश किया मुँह काला, सुल्तानी तजे बुखारा। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। होय होय, भया सप्तपुरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। अब क्या बताते हैं कि जब ऐसा फैसला सुल्तान अधम ने लिया, घर त्याग दिया, इतने ठाठ त्याग दिए, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे। ओहो, गण गंधर्व ये जितने भी देव हैं, देव इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कहते हैं, कांपण लग गया कि भाई कमाल कर दिया इस आदमी ने, हिम्मत देख इसकी कैसे त्याग कर चल पड़ा।
बया सप्तपुरी परसा का। कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे धन मात पिता जिन सरजे। परमात्मा कहते हैं कि धन है इब्राहिम सुल्तान के मात पिता को जिसके ऐसा लाल उत्पन्न हुआ, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। कबीर साहब कहते हैं कह तो माता भगत जने या दाता या सूर अरना तो रह ले बांझड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। या तो माता भक्त पैदा करे या कोई दानी यानी दाता और या सूरवीर उत्पन्न हो। जो सूरवीर में गुण होते हैं वो अत्याचार करता नहीं और अत्याचार सहन भी नहीं करता। दूसरों के दुख में दुखी होने वाला होता है, कोई बकवास करने वाला होता है उसके साथ वो फिर संघर्ष करता है। तो कहता है या तो माता भगत जन है उसके साथ तो कहना है कि अरिया दाता दानी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म करने वाला हो या फिर सूरवीर हो, अन्यथा जन्म देने की कोई जरूरत नहीं किसी बालक ने। अपना क्यों व्यर्थ में नूर अपना शरीर भी क्यों खराब करे बर्बाद करे। कहने का भाव ये है, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे धन मात पिता जिन सरजे। कहते धन है उसके मात पिता ने जिसे जन्म हुआ ऐसे महापुरुष का। सुन शब्द अनाहद राता जान काल कर्म नहीं जाता, जान हिंदू मुसलमान कुछ रामन दुआ सलाम। एक समय ये इब्राहिम सुल्तान अधम अपना ऐसे ही परमात्मा की याद में टाइम पास कर रहा था, भक्ति कर रहा था। एक समय क्या हुआ कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, वर्षा का मौसम था, साथ में हवा तेज चली, तो उसको कुछ ठंड लगी। तो उसने सोचा एक झोंपड़ी थी किसी की, उस झोंपड़ी के पीछे हवा की दूसरी साइड में बैक साइड में बैठ गया और हवा की आड़ में कि रात यहाँ काट लूँ सुबह चल पड़ूंगा। रात्रि के समय उस झोंपड़ी वाले एक पत्नी थी उसकी, एक स्वयं था और एक गाय रखी थी उसने बस। और दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि भगवान ने ऐसी बढ़िया बारिश कर दी, बढ़िया घास हो जाएगा और अच्छा अपना गाय का दूध पीवांगे, ठाठ से रहेंगे। तो वो कहता है कि हमारे ऐसे ठाठ हो गए जैसे बलख बुखारा के बाद सह के भी गोना। अब वो इतना धनी व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति था बलख बुखारे का बादशाह सुल्तान अधम के, उसकी चर्चा चला करती थी कि तू के नाराय बलख बुखारे का राजा है, ऐसा के धनी हो गया तू। तो इसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसे मौज तो बलख बुखारे के राजा की भी नहीं जैसी हमारी है, यह मन की बकवाद होती है। अब उस इब्राहिम सुल्तान ने सोचा देख भोले आत्मा इनके पास खख नहीं, अरे सन मौज मान रही है उस, क्योंकि स्वयं ज्ञान होने के बाद प्रत्येक प्राणी की का यह प्रयत्न होता है कि किसी प्रकार इसकी भी आँख खोल दूँ, समझा दूँ इसने भक्ति बिना कुछ नहीं जीव, कुछ भी सामान नहीं तेरे पास, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी दृष्टिकोण से सुबह हुआ तो उनके सामने झोंपड़ी के आगे खड़ा होकर नमस्कार किया और कहा भी तुम रात्रि में क्या बातें कर रहे थे। तो वो कहने लगे तू कहाँ सुन रहा था कि मैं तुम्हारी झोंपड़ी के पीछे बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी, तुम क्या कह रहे थे कि ऐसे ठाठ हो गए हमारे बलख बुखारा के बाद सके भी नहीं। अरे बोले आदमी ये के ठाठ हैं भाई, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ये मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए आत्म कल्याण के लिए मिला है। और सुनो मैं हूँ वो बलख बुखारे का राजा और मैंने सब कुछ त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। अब वो क्या कहता कर्महीन वो झोंपड़ी वाला, कहने लगे प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं सच्ची बताता हूँ, कसम है अल्लाह की, कसम है खुदा की, मैं वो इब्राहिम सुल्तान अधम हूँ, मैंने राज त्याग दिया। फिर कहने लगे प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता, अर्जय तू राजा है तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं, दोस्त इन्हें धन छोड़ के आ गया, मेंटल चल यहाँ से।
अब क्या कहता है, मतलब वो राजा क्या कहता है कि रांडी ढांडी नातजे ये नरकये काग, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी पछली लागे। अब क्या बताते हैं कि भाई इस पर तो एक या औरत नहीं छूटती, एक या गायें, रंडी ढंडी ढंडी गए गायें को, रंडी औरत को, हरियाणा के लैंग्वेज में भाषा बोल में कहा परमात्मा ने ज्ञान गरीबदास जी ने, कहते हैं रंडी ढंडी नात ये नर कही हैं काग, ये गणेश चतुर बन रहे हैं, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लागे। कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, क्या बताते हैं मेरा कोई पिछला संस्कार था, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, इस पैया ना छूटती ना लायक पे, कर्महीन इंसान है ये, भक्ति नहीं करता। तो पुण्यात्मा लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा कर के, लागी का मार्ग और लग चोट काल जा करके, लग करके लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तारे धरो ने बाणा, कोई मुआ मर्ग जवा दियो नत तारे धरो ने बाण, वो जीवित कर दिया ढोर था शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गुरु महल जनान भेजते डोडी में अलख जगाना, गुरु महल जनान भेजते डोडी पे अलख जगाना, व्यंजन छतीसों छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन छतीसों छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उधर भर के, ना खाया उधर भर के, ना खाया रे उधर भर के, लागी का मार्ग, लगे चोट काल जा कर के, लगे चोट काल, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ, उठन आड़ी चीज रही ना गया उड़ सलानी सुवा, रही उठन वाली चीज नहीं गया उड़ सलानी सुवा, कुछ नकसक बिगड़ा है नहीं बाजी दा असर जुआ, कुछ
नकसक बिगड़ा है नहीं बाजी दा अचरज हुआ। जिन करा अचंबा गोर है तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के लागी का। लग चोट काल जा कर के, लग चोट काल जा और है लग चोट। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गोदड़वारा, कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गोदड़वारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा। शोर मचारण वास में ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या पीछा फिर के, ना देख्या र पीछा फिर के लगी का। लग चोट काल जा कर के लगी का। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ों पर कामासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाड़ों पर कामासा। मेरे दोने नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आसा, मेरे दोने नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आसा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे अर्क, वो होए आसरे हरक, वो होए आसरे अर्क। लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करक, लग चोट काल जा करक लागी का मार गे। भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डिठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाही। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की रवाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कै मंगलानंद चेतियो रे कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेत्यु झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग। और है लग चोट काल जा करके लागी का, लग चोट काल जा करके लग के लागी का मार्ग। और है लग चोट काल जा करके। अपुन आत्माओं, अब परमात्मा प्रेरणा करते हैं सभी बाप पुण्य आत्माओं को कि ये मानुष जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसको अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति में लगाकर ही सफल किया जा सकता है। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, उससे आपको यही पता चलेगा कि इस भक्ति को, इस साधना को आपने अंतिम श्वास तक करना है।
अब जैसे कल प्रसंग चल रहा है, ये तीन कंसेप्ट क्लियर होए बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। नंबर एक, परमात्मा पहचान के कौन है वो भगवान, और दूसरा ये है कि उसका कहाँ है प्रमाण। जिसको आप जी परमात्मा सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं उसके प्रमाण कहाँ हैं। और तीसरा समाधान, समाधान भी पूरा हो फिर उसको प्रदान करने वाला अधिकारी संत हो। जैसे एक आप व्यवहारिक संसारिक व्यवहारिक क्रियाओं में देख लीजिए, जैसे कोई दूसरे देश में जाना चाहता है तो पासपोर्ट बनवाते हैं। यदि वो पासपोर्ट बनाने वाला डुप्लीकेट हो तो आपका काम तो सारा ही खराब हो गया, आपकी भी सज़ा, बनाने वाला तो जाना ही सज़ा, उसको तो होनी होनी है। तो इसी प्रकार ये अधिकारी के बिना ये मंत्र दिए हुए काम नहीं करें, नहीं तो वो महापुरुष भी पहले बता सकते थे इन मंत्रों को। उनको मालूम था कि इन काल के दूतों को ये नाम हाथ लग जाएंगे, सतनाम 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 करके उसके कोड वर्ड से महापुरुषों ने डंडोरा पीट दिया। इन नकली संतों ने सतनाम सतनाम घोट लिया। अब सतनाम तो वो ही है, जैसे ये तो संकेत संकेत है, सांकेतिक सच्चे नाम की तरफ, क्यों सच्चा नाम हो। अरे नकली संतों ने पंथों ने राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों ने ही न सतनाम कहे ना पतानियों के, वो सतनाम सतलोक को भी सतनाम कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम, और सत सत शब्द भी सतनाम, ये असली राम भी सतनाम और सतलोक भी सतनाम। और ये एक नाम जप है वो भी सतनाम, पांच नामों में ओंकार जो ओंकार अरंकार ज्योत निरंजन सोम और सतनाम, इनको सतनाम का नहीं पता। परमात्मा ने यूँ खेल खेलना था कि नकलियां का हाथ लग गया तो नाश हो जाएगा इस बात का, ये सारे भक्त रह जाएंगे। और फिर कैसे पहचान बताते ये नकली, ये नाम गलत दे रहे हैं। अगर नाम इनके पास ये होता तो कदे भी ना सूतना होया बात, क्योंकि ये वो ये कहते हम भी तो वही, हमारे गुरु जी भी तो यही नाम दे रहे हैं। और अब ये स्पष्ट हो गया कि पांचों नाम काल के जानो, वो पांचों नाम काल के तो ये पुण्यात्मा वो भगत वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जो नकलियां के फंस गए। अब उनके लिए ये प्रयत्न हो रहा है पुण्यात्मा जो गलत स्थान पर चले गए, और आप जी यहाँ पहुँच चुके हो। आपकी किस्मत को मैं किन शब्दों से सराहूं, मेरे पास शब्द नहीं। धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, सत्कर्मान लेना। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुर शरणा ले। आप इतने पुण्यात्मा रहे हो युग युगों में जन्म जन्मांतरों में, लेकिन रास्ता नहीं मिला। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग में वो अम्बरीश राजा थे, इतने पुण्यात्मा थे, राज भी करते थे लेकिन भगवान का नौकर समझकर अपना राज करते थे। परमात्मा की जो जनता थी उसको परमात्मा के बच्चे जानकर उनका पालन पोषण करते थे, स्वयं बहुत जबरदस्त भक्ति करते थे, जिसके सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी फिट्टे मुंह होकर गए थे जो केवल सिद्धियां कमाते थे, लेकिन वो भक्ति केवल विष्णु जी की करते थे। त्रेता युग में वही आत्मा फिर राजा जनक हुए, बहुत भक्ति करते थे, बड़े यज्ञ किए, बहुत से धर्म किए, सौ सौ मन घी के कई यज्ञ किए, और फिर वही अपना पुण्य समाप्त करके फिर नानक जी बने। और पहले तो उन राजा बने थे तो उनके नौकर रहते थे, अब स्वयं नौकर लगे एक नवाब के यहाँ पर एक पेट के लिए, और उन अच्छी आत्मा को फिर परमात्मा मिलते हैं। कहते हैं लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। ऐसी पुण्यात्माओं को ढूंढते फिरते हैं भगवान, तो उनमें से आप भी आज एक हो जो यो नाम आपको मिल गया, सतनाम सतकर्माना। अब इन महापुरुषों का इतिहास तो भगवान ने बता रखा है कि ये राजा थे फिर एक नौकर के रूप में रह रहे थे, वही उसी तरह आज आप हैं। आप पहले बहुत अच्छी पुण्यात्मा रहे हैं, राजा भी रहे हो, इंद्र की पदवी भी प्राप्त की आप, बहुत देवता भी बने, राज फिर घसियारे क्यों पुण्य खत्म हो गए, ये लूट कर फिर वापस भेज देता है। तो अब हमने अपनी इस भक्ति को सुरक्षित रखना है,
यहाँ व्यस्त व्यर्थ नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना शरपा धरना, नहीं तो आपकी भक्ति समाप्त होने लग जाएगी, पंचर हो जाएगा आपकी राम गाड़ी, राम नाम की गाड़ी में। ये पंचर नहीं करना, हमने यहाँ से बचा कर अपना सतलोक चलना है, अपने भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, माता को, पिता को, सबको राम नाम पर लगा दो, अपना अपना पंप दो, अपने अपने टायरों में खुद हवा भरेंगे, एक टायर से दूसरे के टायर में हवा कितनी भर के दोनों खराब कंडम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने इन साधनाओं को अपना बचा के रखना है और सफल करना। अब जैसे सबसे पहले आपको पांच नाम दिए जाते हैं, ये पांच नाम जो हैं और जो दो नाम इनके साथ वो फर्स्ट और लास्ट है, ये भी अब ये कंप्लीट कोर्स है, ये अब शुरू हुआ है। पहले केवल पांच नाम दिए जाते थे, परमात्मा स्वयं आए थे वो भी पांच नाम देते थे, केवल कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर उन्होंने किसी को सतनाम और सारनाम नहीं दिया। जो दृढ़ भगत थे कि उसको छुपा रखेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, तो उन्हीं को दिया मालिक ने, ना सतनाम नहीं दिया, केवल पांच नाम देते थे। वो पांच नाम कौन से थे? ये निरंकार ओंकार ये नहीं है सतनाम वगैरह, वो आपको प्राप्त है जिनको प्रथम मंत्र मिल गया। तो इसमें पहला और लास्ट वाला मंत्र जो है ये परम पिता का है। ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए इस मंत्र के लेने के बाद भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस सात मंत्रों के जाप करने वाले को तुरंत मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो इस नाम के लेने के बाद मृत्यु होती नहीं, लेकिन नियम टूट जाता है। क्योंकि हम उन पुरानी मर्यादाओं में घने रंगे जा चुके हैं और हमारा समाज बहुत बड़ा है, हमारे इस मार्ग को, नियम को कोई ना कोई भंग करवा ही देता है मजबूरी के कारण, किसी लोक लाज में, तो फिर हानि हो जाती है। यदि प्रारंभ में ही दृढ़ हो जाए, जैसे नानक साहिब जी की तरह, और ये जितने महापुरुष हुए उन्होंने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। तो इस प्रकार यदि हम दृढ़ होकर प्रारंभ में आ जाएंगे तो ये दोनों मंत्रों का साथ जाप करने से काल अटैक नहीं होता और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिर किस कारण से मर्यादा भंग हो जाती है, नाम दोबारा जुड़ने नहीं मिलता है, उस दौरान यदि मृत्यु भी हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा आपको। अब ये इसलिए क्यों प्रारंभ किए और पहले क्यों नहीं किए कि पहले अगर ये सात मंत्र दिए जाते तो मान ले तुरंत नाम मनुष्य का जीवन मिल भी जाता तो लाभ क्या होता। वो पांच मंत्र जो बीच के आपको दिए हैं इनसे आपको बहुत संसारिक सुविधाएं और धर्म पुण्य या ये साधनाएं परमात्मा ने बताई यज्ञ, इनके करने से आपको इतने पुण्य होते रहे कि मनुष्य जीवन, जैसे ये पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, फिर पूरा किया फिर मनुष्य जीवन, तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे। परमात्मा आपको चार्ज कर गए थे, आशीर्वाद दे देकर भी आपको चार्ज किया जाता है, वो भगवान भक्ति से आपको ओत प्रोत कर गए थे, लेकिन जन्म मरण वाली मार्ग नहीं मिला, छूटने वाला मार्ग नहीं मिला था, तो उसके लिए उस समय वो समय नहीं था। अब ये समय है वो आपको सही कंप्लीट नाम देने का। तो अब ये सात मंत्र इसलिए दिए जाते हैं कि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, अभी छः एक साल के अंदर वापस आ लेगा वो व्यक्ति और मनुष्य जन्म लेगा, भगत के घर जन्म होगा। अब तो ये वो क्या करें ना, चाक चढ़ रहा है, तो आगे तुरंत फिर नाम पर लग जाएंगे और अब एक के दो जीवन में वो पुण्यात्मा पार हो जाएंगे और दो दो जीवन भी नहीं लगेंगे यदि आपको विश्वास पूरा हो जाता है। परमात्मा कहते जीवन तो थोड़ा ही बला, जो सत सुमरण हो लाख वर्ष का जीवन आलेख दरनी को। तो ऐसा नहीं कि दो तीन जन्म अवश्य लगेंगे, नहीं, आप इसी जन्म में इन मर्यादाओं का पालन करते हुए इस ज्ञान को आधार बना के, ज्ञान के आधार से आप जी का मन यहाँ से कति भर जाना चाहिए इस लोक से, तो समझो आप पार होगे। आपका यहाँ से नफरत हो जानी चाहिए, यो के जीवन है, आज मनुष्य जीवन है, कल मृत्यु होगी, सब दरे दराया रह गया, जिसको सारी उम्र जोड़ा रखा और जिसको अपना माना, काया तेरी है नहीं है माया, कहाँ से हो,
नंगा आया जगत में नंगा ही तू जा, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमाया। तो जब आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा तो आपका मन यहाँ से कति भर जाएगा, पुनर्जन्म की कति इच्छा हृदय से हट जाएगी। और भक्ति डट का आप कर ही रहे हो क्योंकि इतना जबरदस्त मंत्र आपको मिल गया सतनाम का, ये दो अक्षर का, इसकी एक श्वास की कीमत, ये श्वास उस श्वास से सिमरण करना होता है प्राणों से, जैसे नानक साहेब जी ने अपनी प्राण संगली बनाई, उसको उसका नाम इसीलिए प्राण संगली रखा है कि वो श्वास के सिमरण का भेद था उसमें। और इसको ये लिखा है कि ये मेरी देह है, ये मेरे शरीर है मेरा, इसको खराब ना करना, आम आदमी को मत देना, आदर से रखना। उनका भाव ये था कि समय आने तक इन सदग्रंथों को जीवित रखना है, और फिर संत आएगा, परमात्मा का दास यो भेज दिया इनको सबको समझ के समझा के, आपको कोड वर्डों को और रहस्यों को समझा के आपको रास्ता देगा, वो धन बताएगा भगवान का, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जैसे ये सदग्रंथ हमारे आदरणीय हैं, इनमें खजाना भरा पड़ा है, और महात्मा इसमें लिख कर चले गए कि आम आदमी के चोर चेक गाथ ना लाग जा, कहीं धन काट ले चुरा ले जाता, तो इसको भेदी ही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सदग्रंथ हैं, इनमें महापुरुषों ने कोड वर्डों में खजाने भर रखे, और ये आम व्यक्ति या इसको उनका अनुयायी नहीं समझ सकता। जैसे एक सेठ मर गया, उसकी मृत्यु होगी और उसने अपनी बही में डायरी में लिख रखा था जहाँ उसने धन दाब रखा था, उसमें लिख रखा था कि चांदनी चौदस रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतनी इतने किलो चांदी, इतने तोड़े सोना, इतने रुपये दबा रखे हैं। उसमें क्या था कि उस सेठ के आंगन में, प्रांगण में एक मंदिर था, अपना ही बनाया हुआ था उसका, वहाँ इस करके उस मंदिर का भी जिक्र किया उसने। उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने पिता के लिखे हुए लेख पैड को, डायरी को पढ़ा, उन्होंने उसके आधार से जैसा उन्होंने सोचा समझा, उसको गुम्बज फोड़ दिया मंदिर का। वो गुम्बज फोड़ देने से उसमें कुछ नहीं मिला, उन्होंने सोचा पिताजी ने तो बहुत गलत लिख दिया, कहाँ कहाँ लिख गए, संकेत गलत दे दिया, हाय धन मिला नहीं, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। अब उनके पिता का एक मित्र धनी सेठ वहाँ पर आया शोक व्यक्त करने के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने तो गलत लिख दिया, धन हमें मिला नहीं जहाँ उन्होंने लिखा था, और बहुत धन लिखा हुआ है, हम तो लुट गए पिट गए, हाहाकार मच गया। तो उस सेठ ने कहा कि मुझे वो डायरी दिखाओ, वह डायरी उसको दिखाई गई। अब वो समझ गया कोड, क्योंकि उसके जानकार ही भेदी ही समझेगा। कहते हैं कि वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। उनके उस पिता के मित्र ने कहा बेटा इस मंदिर के गुम्बज को यथावत बनवा दो, फिर तुम्हें वो खजाना मिलेगा। उन्होंने यथावत बनवा दिया, वो गुम्बज नो का नो बनवा दिया, फिर कहा कि जब मैं आऊँगा फिर वो धन उस दिन मिलेगा। अगली चौदस चांदनी चौदस को, यानी शुक्ल पक्ष की चौदस के दिन वहाँ पहुँच गया सामने, और रात्रि के 12 बजे जहाँ उस मंदिर के गुम्बज की छाया उनके आंगन में थी चांद की रोशनी में, वहाँ निशान लगाया। सेठ ने कहा बेटा यहाँ खोदो, वहाँ खोदा तो ज्यों का त्यों पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, गीता जी और ये वेद और पुराण कुरान, ये आप अनुयायियों के समझ में नहीं आ सकता, आप तो बालक हो। इस दास को भेज दिया धन को बताने और खोद कर निकलने के लिए, आओ नाम लो सतनाम लो, बेड़ा पार करवाओ, बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार
हम सभी आत्माओं के पिता हैं, वही हमारी माता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, ये वही परमेश्वर है जिसमें ये सब गुण विद्यमान है। हमारा सच्चा साथी, हमारा, हमारी माता और पिता यही है। इसी कारण से वो परमेश्वर हमारे लिए यहाँ इस काल के लोक में आता है, और काल हमें अधिक से अधिक कष्ट दे रहा है परमात्मा को सताने के लिए, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। किसी की संतान दुखी होती है तो माता पिता भी साथ दुखी हुआ करते हैं, वो साथ दुखी होते हैं माता पिता। इसी उद्देश्य से परमात्मा यहाँ आते हैं और हमें इस काल के इस सुनियोजित षड्यंत्र से परिचित कराते हैं। उसके लिए हमारे को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। फिर हमें याद दिलाते हैं कि जिन क्रियाओं को करते करते तुम प्राण त्याग जाते हो, जिस संपत्ति को संग्रह करते करते आप अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देते हो, वो आपके साथ नहीं जाता। तो आपके साथ जो जाए वस्तु वो कौन सी है? दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया डक्या रह जावेगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। के दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया डक्या रह जावेगा। लेना क्या है और देना क्या है? राम का नाम लेना है, सच्चे नाम का, सतनाम का जाप करना है, और देना दान है। तो ये दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जाएगा, जो आप सारे जीवन में जो जोड़ जोड़ कर रखते हो ये यहीं रह जाएगा। इसके संग्रह करने में जो पाप आपने किए वो आपके साथ चले जाएंगे। ये धन नहीं जाता, ये संपत्ति नहीं जाती। पुण्यात्मा, परमात्मा की असीम रजा है आपके ऊपर। आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ इस समय में, ये वो समय है, शायद बहुत ही युगों के पास, बहुत ही जन्म जन्मांतरों के बाद आपको प्राप्त होता है ये समय आपका मनुष्य जीवन। इस समय में सभी प्राणी पार होंगे जो इस सतनाम से जुड़ जाएंगे, इस दास से उपदेश लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे। और पार होकर के कहाँ जाएंगे? हम उस स्थान पर जाएंगे जहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अभी तक सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले ये नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, दिनोद वाला ताराचंद पंथ, और ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, दिल्ली वाला ठाकुर जी वाला पंथ, और राजेंद्र सिंह यानी दर्शन जो कृपाल सिंह जी वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला पंथ, राधा स्वामी से संबंधित जो है, ये सतलोक की महिमा सुनाते हैं। और सतलोक जाने का भी ये दावा करते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता कि वो सतलोक है क्या चीज, वहाँ पर क्या व्यवस्था है, और कौन सा वो साधन है जिससे हम सतलोक जा सकते हैं।
इन सभी से ये अपरिचित हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों को परमात्मा कबीर जी की वाणी से, वाणी चुरा कर, ज्ञान चुरा कर ये पंसारी बन गए हल्दी की गांठ प्राप्त करके। ये पांचों नाम काल के देते हैं, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। परमेश्वर कबीर जी की वाणी से करने नौ दीदार महल में प्यारा है, उससे इन्होंने ये मंत्र निकाल लिए। और परमात्मा बहुत दयालु हैं, इन नकलियों को उलझाए रखने के लिए परमात्मा ने ये एक्स्ट्रा मंत्र और उस शब्द के अंदर उनका वर्णन कर दिया, जबकि वास्तविक मंत्र भी उनके अंदर है। अब ये उनके समझ में ना आई कि ये है वो मंत्र, जो पांच मंत्र हैं वो भी उस करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसके अंदर है ये पांचों मंत्र जो ये दास आपको देता है। लेकिन वो ना उठाकर इन पांचों काल के सेलेक्ट कर लिए। काल तो ये चाहता है कि ये वो नाम जाप करें जिससे मेरे मुख में रह जाए, मेरे लोक में रह पार ना हो, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण इनके इतिहास में है, राधा स्वामी के इतिहास में। अपनात्मा मोक्ष होगा नाम से और पूरे गुरु से प्राप्त करके। नकली गुरुओं से भी नाम लिया हुआ काम नहीं करा जाए, जो सही नाम भी अगर कोई डुप्लीकेट संत अन अधिकारी इसका नाम जाप देता है, उपदेश देता है, तो यूजलेस है वो। इस 21 ब्रह्मांड में इस सतनाम का दान करने का इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को आदेश नहीं है। और सार नाम की तो इनका बेनक भी कोनी, सपने में भी ना इनको पता। तो कहने का भाव यह, परमात्मा ने कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ नहीं होई। आदरणीय नामदेव जी ये छिपी जाति के अंदर बड़े महान आत्मा हुए हैं। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे, ओम नाम के जाप से और पूर्व संस्कारों से इन्होंने मृतक गऊ को भी जिंदा कर दिया था, पत्थर की मूर्ति ठाकुर जी की मूर्ति को दूध पिला दिया था, लेकिन मोक्ष नहीं होना था। वो दयालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब उनको मिले, फिर उनको सोहम मंत्र का भेद बताया कि केवल ओम नाम से बात बने नहीं भगत। कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की तारी माने लो लगा रहा था उसमें, और पीछे सोहम भेद बिचारी, बाद में पता चला दूसरे मंत्र का। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन भौर नहीं हुई। इसके बाद फिर सार नाम दिया जाता। अब आपको दिखाते हैं राधा स्वामी पंथ के वो मंत्र जो पांचों काल के हैं। अपने आत्माओं दास के इस परोपकारी प्रयत्न को कृपया आलोचना ना समझे, एक महा उपकार समझे इस मानव जाति के ऊपर। जैसे सरकार ने एक बार वो डुप्लीकेट 500-500 के नोट, किसी व्यक्ति ने 500-500 के नोट डुप्लीकेट छाप कर दुनिया को ठग रहा था, जब सरकार को ज्ञान हुआ तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों सामने दिखाए थे, टीवी पर भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और उनका भिन्नता बताई थी कि ये डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल में ये ऐसा होता है। और कोई ये कहे
कि सरकार तो आलोचना करती है, तो वो या तो भांग पी रहा होगा या उस ग्रुप का होगा जो डुप्लीकेट नोट बना के दुनिया को ठग रहे हैं। तो दास के इस प्रयत्न को या तो वो लोग ये कह सकते हैं कि ये आलोचना करते हैं जिनकी दुकानें बंद होने के कागार पर आने वाली हैं, या वो कह सकते हैं जो अनजान कति सत्संग सुनते ही नहीं। पुण्यात्मा, हम तभी तो उस वस्तु को परित्याग करेंगे, उस वस्तु को त्यागेंगे जो हानिकारक है। जब तक हम उसको हानिकारक नहीं मानते तब तक हम उसके साथ चिपके रहते हैं। और अब दास आपको दिखाएगा कि इन ये डुप्लीकेट मंत्र ये हैं जो काल के जाल में रखते हैं, ओरिजिनल मंत्र ये हैं जो जिन महापुरुषों ने ये मंत्र प्राप्त हुए वो पार हो गए, और वो जो पार हुए वो मंत्र वो संत उनको ये भी मानते हैं राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले कि ये वास्तव में पार हुए हैं, और उन्हीं की वाणी का समर्थन भी लेते हैं अपने सत्संगों में। किन किन का? आदरणीय धर्मदास साहेब जी बांधोगढ़ वाले का, इनके प्रमाण भी लेते हैं। आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा भारतवर्ष वाले, आदरणीय गीसादास साहेब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश भारत वाले, इन महापुरुषों को ये मानते हैं कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, और इनकी वाणी का समर्थन भी लेते हैं, इनका प्रमाण भी देते हैं। मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि वही सतनाम नानक साहेब जी ने जाप किया, कि जैसे नानक साहेब जी ने जाप किया कि तू ही एक निरंकार और सतनाम सतनाम कति ये जाप किया, सतनाम और एक तू ही निरंकार, ये उनका सतनाम था। और हमारा सतनाम कौन सा है? राधा स्वामी। हमारा सतनाम राधा स्वामी, और फिर सतनाम सतलोक है, सतपुरुष भी सतनाम है, सचखंड भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम, और फिर ये पांचों नाम काल के जाप करते हैं। अब देखिए इसके विषय में जिस महापुरुष को ये ज़्यादा महत्व देते हैं, श्री तुलसीदास जी हाथरस वाले को, और उनका बहुत सा ये प्रमाण देते हैं। अब उन्होंने क्या बताया इन पांच नामों के विषय में, देखिए इन्हीं के शब्दों में घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की, बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है, भाग एक सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई यह ग्रंथ दो प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से दो भागों में पूरा पूरा छापा गया है जीवन चरित्र सहित। ये देखो इसके 27 पृष्ठ पर, ये 27 पृष्ठ पे भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहां चल जाऊं तां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा और छठवा नाम गुप्त कर रख्या, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यो पांच बखानी, जीव नाम निज कह बेचारी जान बूझ दानी झक मारी, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, पांचों नाम जीव जो बाख्या छठवा नाम गुप्त कर रख्या। अब इन छठवें नाम का पता ना, ये पांचों नाम काल के रंकार ओंकार ज्योति नरेंद्र सोहम और सतनाम, अब यहां देखो
दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाओ पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और यो आदि नाम, इससे मोक्ष होगा। ये सतनाम दो अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत् सांकेतिक है, और ये सार नाम है आदि नाम। इनसे मोक्ष होगा जो राधा स्वामी वालों के पास नहीं है। राधा स्वामी वाले और ये सच्चा सौदा वाले, ये केवल पांच नाम के जाप करते हैं, पांचों नाम काल के जानो अपने आत्माओं। ये सच्चा सौदा सिरसा जो है, ये भी श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही अलग हुआ है, वही जो के तुम विचार इनके अंदर हैं। श्री शिवदयाल जी से श्री जयमल सिंह जी ने उपदेश प्राप्त हुआ, उन्होंने स्वयंभू संत बनकर व्यास के अंदर श्री शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष के बाद स्वयं ही नाम देना प्रारंभ कर दिया, व्यास नदी के किनारे डेरा स्थापित कर लिया। उनके उत्तराधिकारी हुए हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी का शिष्य थे बेलोचिस्तानी शाह मस्ताना, अर्थात श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरा स्थापित कर दिया। अपने आत्मों यानी श्री शिवदयाल जी के ही ये अनुयायी हैं, ये सारा परिवार उन्हीं का है। और श्री शिवदयाल जी ये पांच नाम जाप क्रिया करते, उनको क्या प्राप्ति हुई? बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत बहुत होता है, और जरा सी भी अकल से काम लेंगे पुण्यात्माएं तो तुरंत त्याग देंगे इस नरक के मार्ग को। आपको दिखाते हैं, देखिएगा जीवन चरित्र। श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का ये है जीवन चरित्र। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब, ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे जो इसके जीवन चरित्र को लिखने वाले। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से। और ये कहाँ से छपी है? ये हैं श्री शिवदयाल जी, इनके परम धनी, इनके भी दर्शन कर लो। राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से ये छपी है। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। इनके विषय में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, ये पूर्ण धनी कहे जाते हैं इनके शब्दों। अब इनके विषय में क्या लिखा कि इनका कोई गुरु नहीं था, ये देखिएगा। और गुरु क्यों नहीं था? लिपापोती करते हुए इन्होंने क्या किया है? जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का पृष्ठ 27 पर इन्होंने, लेखक ने ये थोड़ी सी भूमिका बनाई है, क्योंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है, और इसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है, और जो परम संत वहाँ से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं, तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ जरा भी फर्क नहीं होता है। तो जब इस संसार में जीवों के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं, तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर, इसी वजह से स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था,
और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब पुण्य आत्माओं, ये इसके इस भूमिका में क्या बनाना चाहते हैं कि ये परम शक्ति थे और ये अनामी पुरुष का ही अवतार थे, उन्हीं जितनी शक्ति वाले थे, इसलिए इनको गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष की आप जीवनी देखें, सभी महापुरुषों ने गुरु धारण किए और सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। ऐसे ही नानक साहिब जी ने गुरु की महिमा पर कलम तोड़ रखी है और नानक साहिब जी के भी गुरु थे। अपने आत्मा, गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कबीर परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे अधीन। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।